नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सौरेस गार्डन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे बोनसाई ऑफ ट्विस्टेड पीपल प्लांट्स। हम 5 पीपल प्लांट्स को ट्विस्ट करके बोनसाई प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह हमने 5 पीपल को ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद उसको कर्व शेप दिया। कर्व शेप देने के बाद वायरिंग किस तरह की, उसके बाद एक महीने तक डे बाय डे प्लांट का डेवलपमेंट किस तरह होते गया, एक महीने बाद हमने वायरिंग किस तरह रिमूव की और एक महीने के बाद का प्लांट का फाइनल लुक। दोस्तों, नर्सरी से छोटी साइज़ की 5 पीपल प्लांट्स लाने के बाद उनको मैंने ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद प्लांट्स को मैंने डिज़ायर शेप में कर्व दे दिया। 5 प्लांट्स अलग ना हो सके इसके लिए मैंने टेप से जॉइन कर दिया और कर्व शेप परमानेंट करने के लिए वायरिंग की। दोस्तों, 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। डे 1 को जिस कंडीशन में प्लांट्स थे, आज भी उसी कंडीशन में है। 5 प्लांट में से किसी भी प्लांट को बर्ड्स नहीं निकले हैं। पीपल प्लांट्स के बर्ड निकलने में कभी कभी 15 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, एक महीने के बाद का प्लांट का लुक आप देख सकते हैं। प्लांट का लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। 5 में से 5 प्लांट की पत्तियां निकल चुकी है और प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अब हम देखेंगे हमें प्लांट को वायरिंग किस तरह की थी। पॉट को नीचे की तरफ छेद करने के बाद वायर नीचे से ऊपर तक ले ली और जो प्लांट कर्व किया है उसको नीचे की वायर से सपोर्ट दे दिया। उसके बाद प्लांट को और एक कर्व देने के बाद वायर का सपोर्ट दिया था। दोस्तों, एक महीने बाद मैंने वायर को रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर वायर ज़्यादा दिन प्लांट के ऊपर रही तो प्लांट पर वायर के निशान पड़ जाते हैं। बोनसाई प्लांट डेवलप करते समय प्लांट को डिज़ायर शेप देने के लिए वायरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ सही समय पर वायर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक बोनसाई प्लांट को डेवलप होने के लिए सालों साल लग जाते हैं, पर हमें जो प्लांट को लुक देना होता है वह प्लांट जब छोटा होता है उसी समय देना पड़ता है, उसके लिए वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मुझे इन 5 पीपल प्लांट का एक फ्यूजन करना है, इसके लिए मैंने टेप से इन प्लांट्स को जॉइन कर दिया है। इस फ्यूजन को कंप्लीट होने के लिए लगभग 1 साल का समय लगेगा। वायर निकालने के बाद एक छोटी लकड़ी से मैंने प्लांट को सपोर्ट दे दिया, जिससे वह प्लांट उसी शेप में रहेगा और प्लांट के ऊपर कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे। अब आप देखेंगे एक महीने के बाद का फाइनल लुक।